ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। महाप्रलय काल में केवल सद ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रकटाय, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का दुप्रभाव द प्रभाद्वाब, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का अविभार तथा उनके सकाश से प्राकृतिक तत्व की क्रमश उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मणों, देवो, शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त सराचर जगत नष्ट हो गया था, स्वस्त केवल अंधकार ही अंधकार था, ना सूर्य दिखाई देते थे, ना चंद्रमा, अननाय ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, ना दिन होता था ना रात, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी, प्रधान तत्व अवकृत प्रकृति से रहित सूना आकाश मात्र शेष था, दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी, अदृश्य आदि का भी अस्तित्व नहीं था, शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे, गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी, रस का भी अभाव हो गया था, दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सद्ब्रह्म इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भाव भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे जो योगी गण अपने हृदयकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत्व मन का विषय नहीं है, वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती, वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है, वह ना स्थूल है ना कृश ना हसर्व है ना दीर्घ है ना लघु ना गुरु, उसमें ना कभी वृद्धि होती है ना हर्ष, श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरारूपण कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्वकार निराकार निर्गुण योगी गमय सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ महाशून्य उपद्रव रहित अत्यादि अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस पार ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट होती है। द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वज्ञानमयी शुभ स्वरूपा सर्वव्यापनी सर्वरूपा सर्वदर्शनी सर्वकारिणी सबकी एकमात्र वंदनीय स्वर्धा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह आदित्य अनादि अनंत पर सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी पार ब्रह्म अंतहित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अवराचीन और प्राचीन विदान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक सर्व रूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी।
उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदा शिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी की मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुख मंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगत जगमगाती है। वह सबकी योनी है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती है। वह जो सदा शिव है उसे परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वह अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख है और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूल धारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौरव है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्राह्मण ने एक ही समय शक्ति के नाथ त्रिल शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रिय प्रियतमता रूप शिव और शक्ति जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विधान पुरुष उसे अविभक्त क्षेत्र और के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसीलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवऋषि एक समय उस आनंद वन में रमन करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा प्रकट हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित एक समंदर के समान है, इनमें चिंता काल की उथाल तरंगे उठ उठ कर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सत्व गुण रूपी रतन तमो गुण रूपी गारह और रजो गुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुन्दर को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कनन काशी में सुख पूर्वक निवास करें। यह आनंद वन वह स्थान है जहां हमारी मनोवृत्ति सब और से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कोई उपमा नहीं मिलती। उसकी क्रांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छटक रही थी और नेत्र पर फूल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर स्वर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित ना होने वाला वह वीर पुरुष और प्रचंड 10 भुजाओं भुज डंडों से सुशोभित हो रहा था। तदनंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले,
शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम स्थिर नित्यम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदनंतर अपनी महिमा से कभी चुत्य न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे, और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी प्राशद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने, उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति समस्त नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विदन, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महामतत्व प्रकट हुआ, और महत्ता से तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से पांच तमन्नाएं हुई, और उन तमन्नाओं से पांच भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों का भी प्रभादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसीलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।